हैदराबाद के अजीम उशान मंसूबे अब्दुल्ला मॉल में अब्दुल्ला बिल्डर्स की जानिब से आवाम की तफरी के लिए रंगारंग ईद गाला का इनेकाद किया गया। ईद गाला ईद के पहले रोज से चौथे रोज तक जारी रहेगा। रंगारंग ईद मेले में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अब्दुल्ला मॉल में शहरियों की तफरी के लिए म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध भर के मारूफ फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इसके अलावा भी शहरियों के लिए दीगर तफरीहात का भी बंदोबस्त किया गया। इस मौके पर मौजूद शहरियों ने अब्दुल्ला बिल्डर्स की बेहतरीन काविश को खूब सराहा। बहुत अच्छा लगा, अच्छा फेस्टिवल लगा हुआ था यहाँ पर, और खाने पीने की चीजें भी बहुत अच्छी थी यहाँ पर, बहुत इंजॉय किया। बाकी जगह से बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ सुकून है, बहुत साफ सुथरा माहौल है। यहाँ पर नई फैमिली के साथ आया था मैं, बहुत अच्छा फैमिली माहौल है यहाँ पर, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है और खाना पीना बहुत अच्छा है यहाँ का। सर माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, आज ईद गाल का प्रोग्राम था यहाँ पर तो हमने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह से, फूड वगैरह भी खाया, रश था बहुत माशाल्लाह आज बहुत, और नीचे म्यूजिकल प्रोग्राम था उसमें भी हमने इंजॉय किया माशाल्लाह से, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिला आज हमें अब्दुल्ला मॉल की तरफ से, माशाल्लाह हमने बहुत इंजॉय किया। और भी दोस्त काफ़ी आए हुए थे, अभी वो गए तो मैं जा रहा था, आपने मेहरबानी आपकी। अब्दुल्ला बिल्डर्स के रेजिडेंट डायरेक्टर नजमुद्दीन शेख ने बताया कि अब्दुल्ला बिल्डर्स की कोशिश है कि वो हैदराबाद की आवाम को बेहतरीन और जदीद रहाइश फराहम करें, बल्कि शहरियों को मुनफरिद और ज़बरदस्त माहौल में तफरी के मौके भी फराहम करें, और ईद गाला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं इस वक्त अब्दुल्ला मॉल में मौजूद हूँ और ये एक अच्छा प्रोग्राम अब्दुल्ला की मैनेजमेंट ने किया है, लोगों को जमा करने का एक फेस्टिवल अरेंज किया है। आज ईद का पहला दिन है और नहायत कामयाबी से ये फेस्टिवल जारी है। इसमें काफ़ी फूड कोर्ट के अंदर लोग मौजूद हैं, एक खुशी का सा माहौल है। ईद मनाने का एक बेहतरीन निज़ाम अब्दुल्ला की तरफ से मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग दर्जों के इसमें दाखिल हो रहे हैं। आज क्राउड तकरीबन 4000 के करीब क्राउड आ चुका है, और अभी देखिए टाइम कुछ नहीं हुआ है, आने वाले वक्त में शायद ये बढ़ जाएगा और ये कामयाबी की तरफ होगा। बहुत शुक्रिया।